जहन में जो एक सवाल है जनरल बख्शी, मुझे पता है वो बहुत ही साफगोई से आप लोग सब दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों में ज्यादा खतरनाक कंट्री कौन है? अगर व्हेन इट कम्स टू वॉर, व्हेन इट कम्स टू कि आप रिवेंज लेना और इस एंड तक पहुंचाना है। खतरनाक तो देखिए, अब दोनों की टक्कर ही खतरनाक है ना। हाँ। ना सिर्फ रीजन के लिए, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि अगर ईरान समझता है कि वो डूब रहा है तो हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी लेकर डूबेंगे। वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल इनडिस्क्रिमिनेटली फायर कर सकता है सऊदी अरेबिया की ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज पे, हमास पे जो टैंकर जा रहे हैं उन पे, ताकि ग्लोबल क्राइसिस क्रिएट किया जाए और वर्ल्ड में जो ऑयल की प्राइस है उसे आसमान तक छुआ दिया जाए। देखिए, जो बाइडेन साहब हैं उनकी तो अब वहाँ पे इलेक्शन होने जा रही है अगले महीने, वो इच्छुक नहीं है इस वक्त की ये लड़ाई और फैले, और उन्होंने साफ कह दिया है कि हमको सीज फायर चाहिए। और जैसे पिछली बार अप्रैल में हुआ था, ईरान ने 320 मिसाइल और ड्रोन फायर किए थे। हाँ। और जवाब में यूएसए ने कहा कि साहब हो गया, आपने मिसाइल का हमला नकारा कर दिया, अब आप कुछ मत करिए, केवल टोकन स्ट्राइक करिए। तब भी इसराइल को मजबूर किया था टोकन स्ट्राइक पे। याद रहे बेटा कि जब तक यूएस पूरा सपोर्ट नहीं देगा, हाँ, तो इसराइल भी इफेक्टिव स्ट्राइक्स नहीं कर सकता ईरान के ऊपर, क्योंकि उसके F-35, F-15E वगैरह को मिड एयर रिफ्यूलिंग चाहिए होगी, और वो जो है वो अमेरिका के कहने से ही आएगी। बात कही है, इसीलिए कहते हैं ना एक्सपीरियंस मैटर्स। आप ये बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए खमेनेई की तरफ से ये क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि ये स्ट्राइक्स हम तब तक नहीं रोकने वाले हैं जब तक इस इलाके को अमेरिका खाली ना कर दे, चाहे वो मेडिटेरेनियन सी हो, चाहे वो रेड सी हो, चाहे वो गल्फ की खाड़ी हो, इन सारी जगह पर जो यूएस की तैनाती है, जब तक वो यहां से इलाके को छोड़ नहीं देते तब तक ईरान का सुप्रीम लीडर की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इन स्ट्राइक्स में पीछे नहीं हटने वाले हैं। युद्ध अगर समाप्त होगा तो उसकी एक और इकलौती शर्त यही है। ईरान की यूएस और सभी यूरोपीय देश को यह सीधे तौर पर धमकी है, और इसराइल में इस वक्त सायरन बजना शुरू हो चुके एक बार फिर से। इसराइल में मेरे ख्याल से इलान हमें ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। इलान, वहां लगातार अलग अलग शहरों में सायरन बज रहे हैं, आप जहां पर मौजूद हैं क्या वहां भी अजदोग पे यह हो रहा है? नहीं, अजदोग में नहीं हो रहा है अभी, अजदोग में नहीं हो रहा है। आपके पास, हाँ, आपके पास तो जानकारी होगी कौन कौन से इलाके में इस वक्त रेड अलर्ट है? हाँ, एक मिनट में आपको कह सकता हूँ, वन सेकंड। ये देखिए इलान जो है वो पता लगा रहे हैं, वो जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ इस वक्त सायरन नहीं बज रहे हैं, लेकिन पीछे देखिए आपको सायरन की आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही होगी। इलान, क्या जानकारी है? बेत हिलेल, तिल खाई, इन सारे इलाकों में अभी सायरन बज रहे हैं। हाँ। लेकिन आप तो तीनों तरफ से घिरे हुए हैं ना भाई, एक तरफ तो गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्राइप, जहां से आपके पास लगातार मिसाइलें आती रहती है, उनकी तो हवा निकल चुकी है अभी। आपको ऐसा लग रहा है कि हवा निकल गई है हमास की? हवा निकल गई उनकी, जब की उनकी हवा निकल गई, वो कभी कभी एक या दो या तीन, इससे ज्यादा नहीं कर सकते अभी। दूसरी तरफ लेबनान है, वहाँ के हिजबुल्ला के जितने भी ये आतंकी हैं वो आप पर लगातार हमलावर हैं, और अब तीसरा मोर्चा ईरान की तरफ से खुल गया है। वही तो हमला कर रहे हैं अभी, लगातार हमला जो है अभी वो हिजबुल्ला की तरफ से, और जो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। ओके, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कर्नल शैलेंद्र, ये जब अटैक हुआ था एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी। अब जब ये कहा जा रहा है कि इंसानियत सबसे सर्वोपरि है, ऑब्वियसली नो वॉर शुड बी द फर्स्ट प्रिंसिपल, बिल्कुल समझ में आता है। जब इसराइल गाजा पट्टी पर एक के बाद एक मिसाइल दाग रहा था, तब बहुत से ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि कहाँ मर गई इंसानियत, इंसानियत जैसी कोई चीज़ है कि नहीं है। और आज आप देखिए
पूरे के पूरे इसराइल पर, हाँ, वो मासूम बच्चे, अस्पताल, डॉक्टर और स्कूल और सब दिखाए जाते थे। कल पूरे इसराइल पर अटैक हुआ, वहां इंसान नहीं रहते, वहां सिर्फ यहूदी रहते हैं और यहूदी इंसान नहीं होते। देखिए, दो चीजें बड़ी क्लैरिटी से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी दुनिया को। 7 तारीख को जो हुआ वो कौन सा ऐसा ह्यूमैनिटी का एक्ट था पिछले साल जिसको के अप्रिशिएट किया जाए? आप 7 इसराइल ने जो भी कुछ किया 5 तारीख को नहीं किया, 6 तारीख को नहीं किया, 4 को नहीं किया, 7 के बाद किया। अच्छा, जो 7 तारीख का एक्शन था वो क्या था? क्या ह्यूमैनिटेरियन था? क्या टेररिज्म था? क्या बर्बरता की सारी लिमिट क्रॉस करी गई थी या नहीं करी गई थी? और मेरा अपना कंसेप्ट है, मे बी वर्ल्ड भी इसी चीज़ को माने या ना माने, कि टेररिज्म है क्या? टेररिज्म है आपके अंदर वो खौफ बिठाना कि आपको हम जिंदा नहीं रहने देंगे। सो नाउ यू रिक्वायर अ बिगर टेररिस्ट टू मेक द सेम थिंग हैपन। खमेनी की जो लिस्ट आप दिखा रही थी, आपके पड़ोस में जो दिखाई जा रही थी कंटिन्यूसली, हाँ, कि कहाँ कहाँ किस किस को मारा जाएगा, सारे के सारे नितिन्याहू को भी मारा जाएगा क्योंकि वो टेररिस्ट नंबर वन है। यस, ही इज अ टेररिस्ट नंबर वन, ओनली इफ यू एक्नॉलेज के आप वो टेररिस्ट हैं जिसके लिए ये सारे टेररिस्ट मिलकर आप जैसों को मारेंगे। ओके, और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि इस ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो कतर के लिए रवाना हो गए हैं, और वहां कतर में जाकर आई एम श्योर ये जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको एक पेज पर लाने की पूरी कोशिश होगी। जनरल कुलकर्णी, देखिए गुरबेका जी, इसमें कोई शक नहीं, ये जो अभी माहौल है इस माहौल को गर्म जरूर है। इसराइल भी चाहता है कि उसको रिटेलिएट करे, ईरान चाहता है कि लड़ाई ना आगे हो, इसलिए उनका पहला स्टेटमेंट था। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से इसराइल ने कहा कि हम कर, अब पूरे इसमें यूएसए जो है एक मध्यस्थता निभा रहा है, और वो जो भूमिका यूएसए निभा रहा है वो बहुत जरूरी है। यूएसए क्या चाहता है? यूएसए नहीं चाहता है कि लड़ाई इससे आगे जाए, जो हो गया तो हो गया, यूएसए खड़ा है इसराइल के साथ। अगर युद्ध बनता है या युद्ध में जाता है इसराइल ईरान के बरकरार, तो यूएसए इसराइल के साथ खड़ा देखेगा। ये ईरान को मालूम है, ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। अगर ईरान इसके लिए तैयार होता तो बात ही अलग थी। ईरान को मालूम है वो तैयार नहीं है। नुकसान किसका होगा? ईरान का नुकसान होगा। अगर तेल सारा के ऊपर बॉम्बमेंट होता है और इसराइल स्ट्राइक करता है, नुकसान किसका होगा? चाइना का भी होगा, क्योंकि चाइना और ईरान के बीच में वो $100 बिलियन का 25 साल का सौदा है, और तेल अभी भी जा रहा है सैंक्शन के होते के बावजूद भी, तो नुकसान पूरे विश्व में होगा। हाँ। इसलिए ईरान भी चाहता है ना हो, इसराइल जरूर चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से वो अपने लिटनी रिवर तक पहुंच जाए। जब तक जनरल कुलकर्णी, आप ईरान की भाषा तो देखिए, ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका हटे, हम नहीं रुकने वाले हैं। दूसरा ये खबर आ रही है, जनरल बख्शी, मैं चाहती हूँ आप भी इस पर गौर फरमाए, खबर ये आ रही है कि ईरान कह रहा है अगर किसी ने रिफाइनरी पर हमारे हमला किया तो सऊदी अरब, कुवैत और आसपास के तमाम देशों के कुओं में हम आग लगा देंगे तेल के, याद रखना।